गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज ये आ गए जिम से और मैं इनके लिए नाश्ता बना रही हूँ, अपने लिए बना रही हूँ, इनके लिए नहीं मतलब नाश्ता बना रही हूँ। और यहाँ दलिया बन रहा है, उधर चाय बन रही है, सब कुछ तो बन जाए फिर इनके पास लेकर चलते हैं। सो गाइज आ गया है ये हमारा नाश्ता, कर लेते हैं उसके बाद हम लोग का जनरल डॉक्टर के यहाँ। कल आपने देखा होगा मैंने टेस्ट कराने गई, मैं टेस्ट कराने गई थी तो आज डॉक्टर को भी दिखाने जानी है रिपोर्ट्स वगैरह, तो वहाँ के लिए निकलना है इसलिए फिर वो कर ले फिर वहाँ चल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज आप स्कूल नहीं गए हो? हाँ, आज क्योंकि मुझे जाना है तुम्हारे साथ। यस, डॉक्टर के दिखाने। हाँ, तभी आ जाइए। नहीं गए हम लोग, जाएंगे। मैं बोला 12-1 बजे। 12-1 बजे? हाँ, तो सोचो कितना लेट आए। वो गए जिम गए थे, ये तो नहा भी लिए तुरंत। नहा लिया। कितने उससे हम तो नहा लिए, नाश्ता भी कर लिया और ब्लॉग भी देख लिया मैं अपने टीवी पे। सो गाइज हम लोग हो चुके हैं रेडी हॉस्पिटल जाने के लिए और टाइम हो गया 1 बजने वाला है। ये भी रेडी हो गए हैं, बस चलते हैं और जल्दी से जो है होकर आते हैं। सो गाइज मैं तो आ गई हूँ और अपना तब तक पर्चा बनवाती हूँ, ये गाड़ी लगा रहे हैं, बहुत भीड़ है, कोई जगह नहीं है खड़ी करने की। सो गाइज मैंने पर्चा बनवा लिया और ये भी आ गया, अब चलते हैं डॉक्टर को दिखा। गाइज आज हम लोग इतने अच्छे टाइम पे आए थे ना कि डॉक्टर बस मतलब गए, उन्होंने तुरंत बुला लिया, कितना सही लगा ना, वरना बहुत इंतजार करना पड़ता है, बहुत टाइम लग जाता है। अब हम लोग जा रहे हैं, अब उतर रहे हैं और इनके लिए लेते हैं, अपने लिए भी इनके लिए लेते हैं फल, क्योंकि ये बहुत दिन से कह रही मेरे पास कुछ खाने के लिए फल नहीं है। हाँ, जल्दी से ले। क्या हो गया? हम ये कह रहे जिससे वैसे देखो 80 रुपए किलो नाशपाती हर जगह मिल जाती, हाँ। कह रहे हैं 60 रुपए की आधा किलो। अरे इधर कुछ ज्यादा ही महंगा है भाई, बादरगंज से लेते सही मिलता है। तो मैं यहाँ पे पी रही हूँ अमूल कूल, इन्होंने कुछ नहीं लिया अपने लिए, ऐसा ना अभी खाली पेट है ना तो अगर पेटीज खाते भी तो वो ऊपर आती है। सब जा रहे हैं घर, भूख लग रही है बहुत तेज। आ गए गाइस हम लोग घर। सो हम लोग आ गए गाइस घर और टाइम हो रहा है 2:30 बज गया है, बहुत तेज भूख लग रही है। पर आज मानसिक भैया से बोला था कि आज आप भटूरे बनाना, छोले बना लिए जाएंगे और वो जो है अभी उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, बहुत देर से कह रहे हैं अभी आ रहे आ रहे, और 2:30 बज गया, बहुत तेज भूख लग रही है, पता नहीं कब आएंगे और कब हम लोग खाना खा पाएंगे। लो बिस्कुट खा। बिस्किट, अच्छा सीड्स खा रहे हो, लो थैंक यू। ये हम लोग का बिस्कुट है, लो आते हैं बनाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। आज जो मानसिक ने धोखा दिया है वो तो भाई बताने लायक है सही में। मिलाते हैं उस शख्स से, क्या बात है, थोड़ा काम पड़ गया था। भटूरा शेफ है हमारा, भटूरा शेफ, भटूरा शेफ है हमारा, बहुत बढ़िया बनाता है, कोई बात नहीं भैया तो हमारे बढ़िया हैं, बस थोड़ा भूख ने वो दिक्कत कर दी है, हम समझ रहे थे भूख बहुत। चलो बेचारे ने आते ही आते देखो काम करना शुरू कर दिया, गर्मी नहीं लग रही? नहीं गर्मी नहीं। चलो ठीक बनाओ। मानसिक भैया ने बना दिए हैं भटूरे बढ़िया से, ये छोले और ये खा रहे हैं, खाओ बताओ कैसे। तो गाइस अब जाके मैं भटूरे खा रही हूँ और वो मिल रहा है, इतनी तेज भूख लगी थी सच में, खा के मजा आ। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 3:30 और मैं आपको एक बताती हूँ, एक मतलब मिस हैपनिंग ही हो गई है समझ लीजिए, कि अभी मेरे पास मैं खाना खा रही थी और मेरी भाभी का फ़ोन आया कि मतलब मेरी जो दीदी हैं उनकी आईडी किसी ने हैक कर ली, मतलब उनके साइड से हाँ मैसेज आया कि मतलब वो पैसे मांग रहे हैं और ऐसे ऐसे बोल रहे हैं दीदी की आईडी किसी ने हैक कर ली है। जैसे ही मैंने उनसे बात करी मैंने कहा रुको मैं दीदी को बताया, तब तक इनके पास मैसेज आना शुरू हो गया और फिर अब ये उससे बात कर रहे हैं और बहुत ही, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। खाना ही खा रहे थे, पूरा खा भी नहीं पाए और तब तक उससे वो होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि हम लोग को तो पता है आईडी हैक कर ली, भाभी को भी पता चल गया था तुरंत ही। कॉल कर रहे काट रहे, ये देखिए कॉल कर रहे हैं काट रहे हैं। हाँ कितना ज्यादा ये सब चीजें बढ़ गई हैं आप ये देखिए, कितना अवेयर रहने की जरूरत है हम लोग। कह रहा है कि नंबर नहीं है और गूगल पे का अपनी ये वहां से चैट दिखाओ जहाँ से वो उसने मांगे हैं पैसे, देखो देखो ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया। लेकिन ये देखो दीदी के नाम से थी आईडी और वो ब्लॉक कर दी गई है। दीदी की आईडी थी, हाँ दीदी की आईडी थी पहले, अब ये हैक कर ली गई है, मतलब नॉर्मल ब्लॉक कर दिया।
ब्लॉक कर दिया। पता चल गया कि मेरे ऊपर शक हो चुका है पूरा सही से, तब वो इनसे मतलब बहस करने लगा, उल्टी सीधी बातें करने लगा। और दीदी को तो इवन पता भी नहीं है, मैं उनको कॉल कर रही हूँ पर वही बातें, वो कहीं बिजी होंगी तो वो उठा नहीं रही हैं। अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं आगे। पहले भी हो चुका है, एक रिलेशन में ही थे उनके नाम से तब, लेकिन फेसबुक पे हुआ था, इंस्टा पे पहली बार हुआ है, वो भी दीदी, मतलब हम लोग तो शॉक्ड हो गए एकदम देखते ही। तो बहुत अलर्ट रही है, बहुत अवेयर रही है, किसी के साथ भी कोई कोड या कुछ भी शेयर मत करिए, कुछ भी लोग कर सकते हैं, बहुत मिसयूज़ भी कर सकते हैं। ये तो सिर्फ पैसे मांगने वाला था, बहुत चीज़ें गलत भी कर सकते हैं इसीलिए। और ये लोग एक तो ऐसे होते हैं कि बाद में फिर उल्टी सीधी बकवास करने लगते हैं, जिससे आपका मूड ही ख़राब होगा और कुछ नहीं, और प्लस फालतू की टेंशन हो जाती है, हेडेक, अपना पासवर्ड चेंज करो, सब करो, वो अलग चीज़ होती है। तो हमने अपना ही काम का नंबर भेजो, मतलब हमने अपनी दीदी को मैसेज किया नंबर भेजो, उसे पता नहीं, तो बोला कि अपनी UPI आईडी भेजो। हमने कहा आईडी, हमने कहा हमें नहीं पता UPI क्या होता है। तो कहने लगा कि UPI नहीं पता, हमने कहा हम गूगल पे यूज ही नहीं करते, हमने कहा हम तो योनो यूज करते हैं। तो जिसने जैसे ऐसे बहाना किया, ऐसे अतुल भाई ने कहा, अतुल भाई ने तो अलग ही बात कही। कितने पैसे अतुल भैया? हमसे बोले 20,000 रुपए सेंड कर दो, अर्जेंट है और मैं आप शाम को भेज दूंगी। तो हमने 20,000 तो नहीं है मेरे पास। बोले आप कितने हैं? 200 रुपए हैं। तो उसके बाद बंदे को दोबारा फोन ही नहीं आया, कोई बंदा बंदी हो, मैसेज ही नहीं आया। तो ये सीन हो गया, फिर ऐसा है, फिर हम लोगों ने दीदी को बताया, फिर दीदी ने जो है अपना आईडी सही करी, पासवर्ड FB का सबका चेंज किया। पर कितना अलर्ट रहने की जरूरत है। सफर करेंगे भैया, खेलने जा रहे हैं ताश गाइस, जोड़ पत्ता, और क्या बोलते हैं, जोड़ पत्ता ही बोलते हैं गाइस। खेलने नहीं आते थे, इन्होंने मुझे सिखाए हैं नैनीताल जब हम लोग गए थे तब, तो आज मुझे दिख गए, मैंने कहा लव मैं भी खेलती हूं। बेस्टी हो गए, बेस्टी हो गए, बेस्टी हो गए, ठीक। और ये जो है दहला, इससे एक बड़े बड़े, ये जो है जे मतलब जैक गुलाम, ये किसी से भी जो है अब मिलके पेयर बना सकता है। मैं इसे क्या कहती हूँ? तुम इसे कहती हो जोकर? नहीं, जोरू। मैं आपको दिखाती हूँ गाइज, मैं जीत गई हूँ उसमें, मैं जीत गई। भाई अतुल भाई हमारे अच्छे गाय जीत रहे थे, अशोक भैया ने हरवा दिया उनको। आज के पत्ते खेलने के बाद मन हो गया है कचौड़ी खाने का, कचौड़ी, आलू की कचौड़ी। सोचिए 11 बजे आलू की कचौड़ी बनने जा रही है हमारे घर में, 11 नहीं बजाए 10 बजाए, सबके सहयोग से भी बनेगी। जी हाँ, आज ये भी बनाएंगे तो दिखाएंगे। तो देखो इन्होंने आलू जो है वो तैयार कर लिए हैं, लेकिन गाइस छीले इन लोगों ने सबने, आज सबके सहयोग से हो रहा है। हाँ, सबके सहयोग से बन रहा है, और इसमें अभी देखो इसका जो पूरा डो है वो तैयार हो जाएगा। भाई कचौड़ी बनना जो हो चुकी है रेडी, और दिखा दे फिर, मैंने सोचा मैं बनाऊं, पहले इनका जो है दिखा दूं ये पहली कचौड़ी कैसी बनाते हैं। आज आपका वो है टेस्ट, कचौड़ी बनाना सबसे टफ है वैसे, अगर आपने अच्छी बना दी तो मजा आ जाएगा। चलो अभी देखो भैया, देखो अपने हाथ का कमाल, फिर हाय गजब जे, देखो एक जे बना रहे मानसिंह भैया हमारे। आप तो खाना बना लेते हो वैसे, तो आप पे तो वो है, बात है इनके टेस्ट की मेन। अरे आपने तो सिखा दिया होगा इनको है? नहीं भाई, आपने कभी देखा है काम करते से सीखे हुए हैं? ओ हो, ओपी अच्छा। जब बचपन में दोपहर में सब लोग सो जाते थे हमारे घर पे, तो हम लोग जो है कौन कौन थे? हम लोग, हाँ, आशु बासु, अच्छा तीनों लोग, भैया भैया क्या क्या बनाते थे? अरे तुमने चावल, चाउमीन, और अच्छा क्या कहते हैं, सोयाबीन की सब्जी, अच्छा पल्ली, एक गजब, दिखा दे जरा पास से, लिट्टी बना ले लिट्टी। इसे सही से बंद करना, देखो मेन बात है सीखनी भी बड़ी अच्छी है ना, ऐसा है प्रयास तो देखो पूरा कर रहे हैं। नहीं होगा, जरूर होगा। हमारे अतुल भाई भी हैं लाइन में, अतुल भाई भी पहली बार बना रहे होंगे। ये बन चुकी है कचौड़ी, अब ये जब सिकेगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कैसी बनती है, ठीक है? ये देखो भाई मानसिक भैया ने बनाई है तीन खूब बढ़िया बढ़िया छोटी छोटी अच्छी सी कचौड़ी, एक इन्होंने ही अपनी बना ली है, अब मैं बनाने जा रही हूँ, इधर अतुल भैया बना रहे हैं। तुम बटाटा बड़ा बनाओगे? बनती है फिर आपको दिखाते, देखो। हाँ भाई इनकी दिखा दो, अतुल भाई की बन गई,
मैंने भी कमजोर है। देखिए कितनी अच्छी बन रही है और इधर बाकी निकल रही है और इधर चाय बन रही है, एकदम मजा आ जाएगा खाकर। इस यहाँ रेडी हो गई है कचौड़ी हमारी, ये देखिए इतनी मजेदार चाय और कचौड़ी। हाँ भाई, ये अपनी वाली कचौड़ी फर्स्टली खा रहे हैं ना, अपनी खा रहे हैं लेकिन अच्छी बनी है जो कचौड़ी, अच्छी है, आलू कहीं नहीं इधर उधर गया है लेकिन थोड़ा सा आटा हमने ज्यादा। ओके, आप लोग भी खाइए, कचौड़ी मैंने बनाई है और ये बहुत अच्छी बनी है, पतली पतली एकदम मजेदार है ना, पर अच्छी है। ये अपनी खा ही नहीं रहे हैं, इनकी इतनी बेहतरीन बनी कि ये खाना ही नहीं चाह रहे। बनाई है अपनी गुजिया, सबने बनाई कचौड़ी, जिनने बनाई गुजिया। कैसी लग रही है? आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड आई होप आपको आज का ब्लॉग देख के मजा आया होगा। मजा आए तो प्लीज प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।